बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पेज नंबर 41 कर रहे हैं। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, तो ये भी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रियल नंबर में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव का मतलब जैसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, किस चीज़ का रिफ्लेक्शन, उसी से है कि उस जैसी ही तस्वीर होती है। ठीक है, तो अगर कोई ए जो है वो रियल नंबर है तो ए इज़ इक्वल टू हमेशा ए होता है, यानी टू इज़ इक्वल टू टू ही होता है, फाइव इज़ इक्वल टू फाइव ही होता है। तो ये होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसमें सेकंड है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए इज इक्वल टू बी है तो फिर बी इज इक्वल टू ए होगा। ठीक है, यह है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि अगर ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है, तो बी इज इक्वल टू ए बी होगा। ठीक है, दोनों चूंकि सेम सेम है। इसके बाद थर्ड है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम कह रहे हैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। कहते हैं अगर इफ ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है, ए बी के इक्वल है लेकिन जो बी है वो सी के इक्वल है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो ए है वो सी के भी इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसमें ए बी सी जो है ना ये तीनों क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, अगर ए इक्वल टू बी है और जो बी जो है ना आगे से सी के इक्वल है, ठीक है, बी और सी फिर यानी ए बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है। ठीक है, तो बी जो कि सी के इक्वल है, ठीक है, तो इधर भी हम अगर सी का दें तो ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, नंबर फाइव है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले है नंबर फोर, इससे पहले हम नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं। नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव एडिटिव मतलब एडिशन, एडिशन की जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, कहते हैं अगर ए और बी इक्वल हों, ए और बी क्या है वो इक्वल है, तो अगर हम ए में अगर कोई चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो रिज़ल्ट आएगा, अगर वही चीज़ हम बी में ऐड करेंगे तो सेम रिज़ल्ट आएगा क्योंकि ए इज़ इक्वल टू बी है। तो हम क्या करेंगे, अगर बी में भी सी ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ए इज इक्वल टू बी था, इसलिए ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, जबकि ए बी सी क्या है, ये तीनों रियल नंबर्स हैं। ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये नंबर फोर पे थी। अब नंबर फाइव पे है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी उसी तरह से जैसे हमने एडिशन में की, अगर ए जो है वो बी के इक्वल है, ठीक है, तो अगर हम ए के साथ किसी को मल्टीप्लाई करें और उसी नंबर को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम आने चाहिए, यानी ए को अगर हम सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और बी को भी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चूँकि दोनों ए और बी दोनों सेम इक्वल हैं, तो फिर ये भी दोनों इक्वल होंगे। ए मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू होगा बी मल्टीप्लाई बाय सी, वेयर एज
ए बी और सी क्या है, ये रियल नंबर्स है। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है नंबर सिक्स, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का मतलब ये है कि अगर हम ए में कोई चीज़ जमा करें और बी में भी वही चीज़ जमा करें, ठीक है, क्योंकि हम सेम चीज़ जो है वो उसमें जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें दोनों बराबर आ गई, अगर ए में हमने कुछ जमा किया, ठीक है, ऐड किया, और बी में भी सेम चीज़ ऐड की और हमें पता चला कि रिजल्ट तो सेम आ रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे फिर ए और बी भी आपस में इक्वल है, देन ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसमें ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। अगेन मैं आपको बताता हूँ कि अगर ए बी में हमने ए में जमा किया सी को और उसी सी को हमने जमा किया बी में, तो जब जमा ऐड कर दिया ए में एक चीज़ को, एक एक नंबर को, और उसी नंबर को बी में ऐड कर दिया और दोनों साइड पे रिजल्ट सेम है, तो हम कहेंगे ए और बी भी आपस में सेम है। तो ये है कंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसी तरह सेवन्थ प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं कि ए को अगर जैसे हमने एडिशन वाली की है वैसे ही है कि ए और बी दो नंबर हैं, अगर ए को हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया सी के साथ और बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें पता चला कि आंसर तो सेम आ रहा है, ठीक है, तो जब हमें ये पता चला तो फिर हम कहेंगे कि ए और बी भी आपस में सेम है, देन दैट वाज द रीज़न कि फिर नंबर जो है ना वो आंसर सेम आया, तो ए इज़ इक्वल टू होगा बी, ठीक है, तो ए बी सी के हैं ये सारे, ये रियल नंबर्स हैं।